बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पेशावर में आतंकियों ने बड़ा हमला किया है। आतंकियों ने आर्मी स्कूल को अपने कब्जे में ले रखा है। इस हमले में अब तक 84 बच्चों की मौत हो गई है और दर्जनों अन्य बच्चे घायल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर इस आतंकी हमले में 130 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें कि मृतकों में 2 टीचर, सेना का एक जवान भी शामिल है। स्कूल में आतंकी हमले के दौरान 1500 बच्चे मौजूद थे और काफी संख्या में बच्चे ऑडिटोरियम में परीक्षा दे रहे थे। अधिकारी ने बताया कि हमले में करीब 6 आतंकवादी शामिल थे और हमलावरों ने काला लिबास धारण कर रखा था। अभी भी करीब सैकड़ों छात्र स्कूल के अंदर फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। तो तालिबान से जुड़े तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मीडिया के मुताबिक तहरीक तालिबान ने कहा है कि पेशावर आर्मी स्कूल पर हमला उत्तरी वजिस्तान में पाक सेना की कार्रवाई का परिणाम है। बयान में कहा है कि पाकिस्तानी सेना हमारे परिवार पर हमला करती रही है और ये उसी का बदला है, इसलिए हमने जानबूझकर आर्मी स्कूल में हमला किया है। हम उनको दर्द महसूस कराना चाहते हैं। तो ये हमले के पीछे तहरीक तालिबान है और उसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और ये वो बयान हम आपको दिखा रहे हैं जो बयान तालिबान की तरफ से आया है।